यहाँ पर रिलीज तो कर दिए हैं। यूट्यूब चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अभी कुछ भाई साहब ने, अच्छा इस गांव का नाम क्या है, गोनरिया, इस गांव का नाम गोनरिया है। तो इस भाई साहब ने हमें सूचना दिया है कि एक बिग साइज का इंडियन स्पेशल कोबरा इनके घर में मतलब आया है। तो ठीक दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिए और चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कौन सा सांप है और कैसा सांप है। आइए भाग जाता, देख सकते हैं कि पूरा लकड़ी वगैरह सूखा हुआ ऊँख है, इसी में रखा गया है। तो इसी में वो कोबरा सांप कहीं ना कहीं गया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर तक इधर। तो मेहनत तो लग रहा है, करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, वो कहाँ गया, वो लाइए तो उससे निकलेगा ना, लाइए। हाँ हाँ देख रहे हैं, हाँ हाँ अरे हम देख रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं। तो इसी में कहीं न कहीं वो जो सांप है गुम है। अभी अभी देखिए, पूरा लकड़ी निकालना बाकी है, जब तक पूरा निकले तब तक सांप मिलेगा नहीं। चलिए निकालिए आराम आराम से पूरा। और वो कोबरा कहीं न कहीं इसी में सब अभी है सब। तो ठीक है, देखते अभी मिलता है नहीं मिलता है, अब इसी में देखा जाने का शंका है। फिर भी देखिए होगा, जरूर मिलेगा। अभी इतना बाकी लगभग सारी लकड़ियाँ तो हट गई है, बस यही आखिरी बांस बचा है। तो अब इसी में कहीं ना कहीं वो सांप है। तो अब देखते हैं दोस्तों, नजर जमाए रखिए, अब इसी में जरूर वो है कहीं ना कहीं नीचे। फुफकार मारा है कहीं कहीं, देख लिया कोबरा है। मित्रों पकड़िए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफी बिग साइज का, बड़ा दिखाता है। बाप रे, काफी बिग साइज के, देखिए इतना मेहनत करने के बाद दोस्तों, काफी मेहनत के बाद कितना बिग साइज का एक कोबरा आखिर। तो काफी मेहनत के बाद मिल तो गया है। चल भाग जाओ, बाप रे यार बहुत बड़ा है। अरे पकड़े वाला उल्टे का तो है दोस्तों, एक काफी बिग साइज का है कोबरा, बहुत बहुत बड़ा है यार। और ये इसी सांप का केचुली था उसमें, इसी सांप का। अरे निशन अब अपने छूटेगा, हाँ अरे आराम से इसमें आसानी से चला जाएगा, वैसा ही है ये, वैसा ही बनाया गया है। चला गया आसानी से, इसमें चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बांधने वाला है क्या, कुछ बांधने वाला, मतलब जब आए हैं तो पूरा चेक करके ही जाएंगे। निकल गया, देख सकते हैं पूरा इतना ज्यादा था,
निकाल दो, हालत खराब होगा तो दिखा दीजिए पूरा। हाँ अरे निश्चिंत रहिए, जब उसमें अगर दो दूसरा होगा तो गारंटी मिल जाए। बहुत बिग साइज का है, बहुत पुराना सांप है। उसमें चूहा हुआ खा खा के इतना हट्टा करता है, कितना मोटा मोटा चूहा है। अरे अब मेरी जिम्मेदारी है, चलिए पैक हो चुका है इसको रखते न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है बेनम, जो कि ब्लड के संपर्क में जब काटे तो जब ब्लड में जाता है खून में तो खून को जमा देता है, क्लोटी गाढ़ा कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाता है और दिल के धड़कन मतलब रुक जाता है, जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। तो इसका इलाज बस एक ही है, एंटी वेनम सीरम आता है, 10 ml का सीसी आता है, जो कि केवल गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में ही आपको मिलेगा, या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको पटना है ना पटना मिलेगा, और नहीं तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में। मैं तो एडवाइस यही दूंगा कि गोरखपुर जो अपना सिटी का मेन सिटी मेडिकल कॉलेज है उसमें बहुत बढ़िया मात्रा में एंटी वेनम उपलब्ध है। तो अगर कभी किसी को सांप काटे ऐसा कोबरा चाहे क्रैक, तो आप लोग झाड़ में एक चक्कर में ना पड़ के आप तुरंत वहां पर जाएगी, ठीक है, हॉस्पिटल में, तो 110% आप लोगों की जान बच जाएगी। अगर आप लोग सदी में एक चक्कर में पड़ेंगे, किसी बाबा के दवा पिलाने चक्कर में पड़ेंगे, तो गारंटी मौत होगी, ठीक है। तो इतना आप बस करिए कि आप लोग हॉस्पिटल जाइए, बस आपसे यही जाना है, तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। सबसे जरूरी हिम्मत है, क्या करी जी, और आप कह रहे इसमें लचुबुक के लचुबुक नहीं है, इसको हुक कहा जाता है। पोछिया पकड़ा का सबसे करेजा पोछिया पकड़ा का बा, चलिए बाबा जी आपके पास ठीक है। ये बस समझिए सफाई का, जैसे मान लो गोहरा है तो साफ है तो उसको हाथ से ना डालूंगा, सफाई करने में बहुत मारी मत, ठीक है। कभी कोई सांप दिखाई दे आप लोग सांप को बिल्कुल मत मारिए, सांप समझ लीजिए बहुत, तो आप पूजा भी होता है हर घर में बताइए, लोग मार देते हैं अपने पर्यावरण के लिए, बहुत आवश्यक भी सांप है लेकिन लोग नहीं समझते हैं, लोग मार देते हैं। सुनिए काल है तो इतने साथ सुनिए, बहुत लोग एक ही मान लेते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो पैसा लूंगा, तो मैं कहता हूँ मुझे पैसा आप लोग मत दीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आप लोग सांप को बचाने में मदद तो कम से कम कर सकते हैं ना, मैं आऊंगा आप उसे पकड़ के छोड़ दूंगा, आप लोग क्यों मार रहे हैं, इसलिए हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, आना हम लोग डिमांड करते हैं पैसे की। जो खुशी से आदमी दे दिया, अगर आपको खुशी से मेरा वीडियो बता, वीडियो देखेगा ठीक है, हाँ उस पर एक ही वीडियो में बहुत वीडियो है, हम लोग ये पहला काम थोड़ी हम लोग और पहले विशाल चलिए ठीक है, कभी कोई समस्या हो सांप से लेकर बताइए जरूर, ठीक। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखें उस भारी भरकम कितना बिग साइज का कोबरा था, उसमें इतना मेहनत करने के बाद तो मिला है, तो देखो उसको तुरंत पकड़ के हम लोग जंगल में रिलीज करने के लिए आ गए हैं, तो ठीक है बने रहिए, आइए इसे हम इसी के आवास में इसी के वातावरण में हम लोग इसे रिलीज कर देते हैं, आइए अंदर रिलीज करते हैं जंगल में। दोस्तों ये पूरा जंगल ही है, इसमें आराम से अपना रह सकेगा घूम सकेगा, और वहाँ पर तो घर में था लकड़ी में तो लोग इसे मार भी देते और यही लोगों को नुकसान पहुँचाया जाता, तो इसी में देखिए पूरा झाड़ियाँ हैं इधर, इसको दोस्तों इतना बिग साइज का है कि आपको क्या बताऊं, देख सकते हैं झूले में सब निकल रहा है, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना बिग साइज का एक कोबरा है, काफी गुस्से में नजर आ रहा है दोस्तों देखिए कैसे फन फैला कर झाड़ियों में ही बैठ गया है, देखिए देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों इसको हम लोग रिलीज कर इसे यहाँ पर रिलीज तो कर दिए हैं, अब बस इसको दोस्तों जैसे देखिए झाड़ियों में ही अब अपना आराम से चला जाएगा, जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसे झाड़ियों में फन फैलाए अपना जा रहा है, जैसे कि
फिर उसको जैसे कि देखें कि अब वो झाड़ियों में ही जा रहा है, अब वो अपने धीरे धीरे अपना झाड़ियों में खसकते हुए चला जाएगा। तो रे दोस्तों, हमने तो अपना काम कर दिया, इनके वहाँ से इसे बचा के लाकर हमने जंगल में इसको रिलीज कर दिया। तो रे दोस्तों, बस आप लोग यहीं प्यार चाहिए, प्यार आप लोग बनाए रखिए, और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।